Hello friends, myself Nivedita Mishra and you all are welcome to my YouTube channel Study with Nivedita. आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे. लास्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा था और मैटर का क्लासिफिकेशन देखा था. इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इस पार्ट में हम सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज से स्टार्ट करेंगे. फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? So all the quantities which came across during our scientific studies are called physical quantities. वो सारी quantities, all the quantities जो कि कब आती हैं? During our scientific studies. जब हम science के बारे में या scientific studies करते हैं, science के बारे में पढ़ते हैं, तो जो भी quantities उस way में आती हैं, वो सारी quantities physical quantities कहलाती हैं. यूनिट्स क्या है? यूनिट क्या है? द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूज्ड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी. वो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, वो स्टैंडर्ड जिसे हम किसी स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, उसे हम यूनिट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ अगर मैंने दिया एग्जाम्पल 75 kg, इसमें 75 क्या है? ये नंबर है और kg हमारा यूनिट है. 100 मीटर, इसमें मीटर यूनिट है. 1 मोल, मोल यूनिट है. और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड विद इट्स यूनिट इन द फॉर्म ऑफ NU. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, NU के फॉर्म में. NU क्या है? N यहाँ पे है नंबर और U यूनिट. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. अब 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? ये मेन जो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज आपके NCERT बुक में दी गई है, वही मैंने आपको यहाँ बताई है. सो फिजिकल क्वांटिटी, उनके सिंबल, यूनिट्स उनके सिंबल. सबसे पहले लेंथ, लेंथ की फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ और उसका सिंबल है L. लेंथ का यूनिट होता है मीटर और उसका सिंबल होता है स्मॉल m. फिर मास क्या है? मास फिजिकल क्वांटिटी है, उसका सिंबल स्मॉल m है और उसको उसकी यूनिट है हमारी किलोग्राम, उसका सिंबल है kg. फिर है टाइम. टाइम जानते हैं हम, टाइम का सिंबल स्मॉल t, इसकी यूनिट है सेकेंड और सिंबल है स्मॉल s. टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट है हमारी केल्विन और इसका सिंबल है कैपिटल के. केल्विन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की यूनिट है. इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, उसका सिंबल है कैपिटल I, यूनिट एम्पियर और उसका सिंबल कैपिटल A. फिर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट उसकी मोल होती है और उसका सिंबल MOL, स्मॉल MOL से हम देते हैं. फिर लास्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैपिटल आई और स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट होती है कैंडेला और इसका सिंबल है स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, सी डी. ठीक है, तो ये हमारी 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज थी. इनमें से कुछ के बारे में आप पढ़ चुके हैं और कुछ के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. ये सारी जो यूनिट्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी इन फिजिकल क्वांटिटीज की SI यूनिट होती है. SI यूनिट होती है जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पे बेस्ड होती है. अब इन सारे SI यूनिट्स की डेफिनेशन आपको आपकी NCERT बुक में मिल जाएगी. आप एक बार उसे रीड करके समझ लेंगे क्योंकि ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. तो अब तक हमने जो देखी फिजिकल क्वांटिटीज, ये सब बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज थी. अब हम कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे. डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो फिजिकल क्वांटिटीज जो इन्हीं बेस फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनी हुई हैं, या फिर इन्हीं बेस फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट से मिलकर हमने उनकी यूनिट डिराइव की है, वो सारी क्वांटिटीज हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं. सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देख लेते हैं, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है. अक्सर हम मास और वेट को एक ही कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है. मास और वेट दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं. मास क्या है? मास इट इज द अमाउंट ऑफ
मैटर कंटेंट, किसी बॉडी में किसी सब्सटेंस में कितना मैटर है वो चीज हम मास से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेट क्या है, द फोर्स, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सॉरी द फोर्स दैट इज अप्लाइड बाई द बॉडी ऑन अर्थ. अर्थ पे वो बॉडी कितना फोर्स अप्लाई करती है, ये चीज होती है हमारी वेट. अब जो मास होता है ये हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, इट इज कॉन्स्टेंट, ये चेंज नहीं होता है. चाहे आप कहीं पे भी रहे, आप आज यहाँ हैं तब भी आपका मास उतना ही रहेगा, और किसी दूसरी जगह पे होंगे तब भी आपका मास उतना ही होगा, लेकिन वेट कॉन्स्टेंट नहीं होता है, इट चेंजेस विद टाइम. ये टाइम के साथ, प्लेस के साथ हर जगह चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा वेट यहाँ अर्थ पे कुछ और है, तो अगर हम मून पे चले जाएं तो हमारा वेट इसका 1/6 हो जाता है. मींस मून पे जाने के बाद हमारा वेट रिड्यूस हो जाता है, लेकिन मास मास सेम रहता है. तो ये था मास और वेट. अब एसआई यूनिट हम जानते हैं, मास की एसआई यूनिट होती है केजी, लेकिन वेट की एसआई यूनिट, सिंस ये फोर्स है तो इसकी एसआई यूनिट भी फोर्स की एसआई यूनिट होती है, न्यूटन. ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. अब हम कुछ और फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी, कुछ और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में देखेंगे. वॉल्यूम, वॉल्यूम हम जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, यूनिट होती है इसकी मीटर क्यूब. मीटर क्यूब किससे मिलके बनी है, लेंथ की यूनिट, मीटर का क्यूब होता है ये. तो ये किससे डिराइव हुआ हमारा, लेंथ. और क्या है हमारे पास, डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम. मास अपॉन वॉल्यूम, मास की एसआई यूनिट केजी, वॉल्यूम की एसआई यूनिट मीटर क्यूब. सिंपली हम कह सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी की एसआई यूनिट हो गई. अब हम टेम्परेचर के बारे में देख लेते हैं. टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक नहीं बल्कि तीन तीन यूनिट्स हैं. मेन एसआई यूनिट उसकी केल्विन है, लेकिन टेम्परेचर को हम मेनली तीन यूनिट्स में मेजर करते हैं. कौन कौन सी यूनिट्स हैं ये, पहला है डिग्री सेल्सियस, दूसरा है डिग्री फारेनहाइट, और तीसरा होता है हमारा केल्विन. केल्विन के साथ डिग्री नहीं होती है, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे. सेल्सियस और फारेनहाइट के साथ डिग्री होती है, लेकिन केल्विन में कभी भी डिग्री नहीं होती है. अब हम इन क्वांटिटीज को फाइंड कैसे करेंगे. सो डिग्री फारेनहाइट का फॉर्मूला होता है 9 by 5 degree Celsius plus 32. डिग्री सेल्सियस में अगर हमें टेम्परेचर पता हो तो हम उसे फारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करके. डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9 by 5 degree Celsius plus 32. अब हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. ये एक फॉर्मूला होता है. यहां से अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन में टेम्परेचर केल्विन में दिया है, तो हम केल्विन से ये टेम्परेचर पहले डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, फिर उससे हम इसे फारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट में टेम्परेचर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन केल्विन में कभी भी टेम्परेचर नेगेटिव नहीं हो सकता है. तो ये थी हमारी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें हमने दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ा, बेस फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और उन सबके यूनिट्स के बारे में भी देखा. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट. हम जानते हैं जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं,
कोई बहुत माइनर मेजरमेंट होगा या कोई बहुत बड़ा मेजरमेंट होगा, तो उसमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी जरूर मिलती है हमें, चाहे वो पॉइंट भर की ही क्यों ना हो, लेकिन अनसर्टेनिटी जरूर होती है उसमें। तो उसके लिए एक टॉपिक है इसमें हमारा साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशंस, साइंटिफिक नोटेशंस क्या होते हैं? जब मान लीजिए, पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। यहां मैंने 10 × 10³ लिखा। इसका क्या मतलब है? हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, इसका मतलब है 10 और उसके बाद हम 3 जीरोस को और बढ़ा देंगे। ये था हमारा, यहाँ मैंने क्या किया, 10 के पावर पे इसको लिख दिया 3। चाहते तो हम ऐसे भी लिख देते, लेकिन इसमें कुछ अनसर्टेनिटी हो सकती है, इसीलिए मैंने इसे साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और इसे लिखा 10 × 10³। ठीक है, तो यही होते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है देखिए, टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी एनी मेजरमेंट विथ एक्सपोनेंट पावर ऑफ 10। जब 10 के एक्सपोनेंट पावर में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ एक एग्जांपल लू, 7.5 × 10⁵। ये साइंटिफिक नोटेशन का एग्जांपल है। यहाँ पे हम कॉमनली इस डेफिनेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं, नंबर इंटू 10⁻ स्मॉल एन। यहाँ कैपिटल एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल एन हमारा नंबर है और स्मॉल एन एक्सपोनेंट है, 10 का एक्सपोनेंट। ये था हमारा साइंटिफिक नोटेशन। अब हम साइंटिफिक नोटेशंस के साथ अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1.5 × 10⁵, ये हो गया, इंटू 2 × 10⁵। यहां हम क्या देख रहे हैं, देखिए ये जो हमारी बेस है ये दोनों जगह सेम है। अच्छा चलिए इसको चेंज करके हम 10⁴ कर देते हैं। अब यहां सेम नहीं है ये हमारा एक्सपोनेंट पावर, तो पहले हम इसको सेम बना लेते हैं। कैसे सेम बनाएंगे, देखिए 1.5 × 10⁵, ये तो हमारे पास पहले से है। अब अगर हम 2 की जगह इसे 0.2 कर दें, तो यहाँ पे एक पावर बढ़ जाएगी 10 की, क्यों, देखिए 0.2 × 10 करेंगे हम तो ये 2 नहीं हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ एक और पावर बढ़ा दें 10 की, तो यहाँ हम 0.2 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो पहले हम 10 के एक्सपोनेंट्स को सेम कर लेते हैं, यहाँ पे भी 10⁵ हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को n × n, n1 × n2 कर देंगे और यहाँ पे 10⁻ n। क्यों, जब स्मॉल n दोनों साइड में सेम होगा तब हम ऐसा करेंगे। अब मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 1.5 × 0.2 × 10⁵, क्या मिलेगा हमें, 1.5 × 0.201 हमें मिल जाएगा 0.30 × 10⁵। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था मल्टीप्लीकेशन में हम किस तरीके से इसका यूज करते हैं। अब डिवाइड की अगर हम बात करें, तो डिवीजन में दूसरा रूल है, देखिए अगर इसी तरीके से होगा, मान लीजिए 1.5 × 0.2 सेम नंबर्स ले लेते हैं, ऊपर नीचे अगर पावर सेम है, मान लीजिए इधर भी 10⁵ है, इधर भी 10⁵ है, तो हम इस पावर को कॉमन ले लेंगे, 1.5 और 0.2 को डिवाइड कर देंगे और इस पावर को एज अ कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद इसको डिवाइड करने से जो आंसर आएगा उसके साथ × 10⁵ हम लिख देंगे। ये था साइंटिफिक नोटेशंस का यूज करना, मल्टीप्लीकेशन और
डिवीजन में। अब हम साइंटिफिक नोटेशंस का यूज एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे होता है देखिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, मान लीजिए हम नंबर्स ले लेते हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 3.05 इंटू 10 टू द पावर 1 या फिर इंटू 10। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों की पहले हम पावर्स को सेम कर लें, जैसे हमने मल्टीप्लीकेशन में किया था तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 0.305 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं हम। अब यहाँ हमें दोनों साइड 10 के एक्सपोनेंट सेम दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 6.6 प्लस 0.305 और ब्रैकेट में क्या कर देंगे हम, 10 टू द पावर 2 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या होगा, आप देखिए इसे एडिशन कर लेते हैं, 6.6305 इंटू 10 टू द पावर 2 हमारा आंसर आ जाएगा। सेम यही रूल हम सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई करते हैं, यहाँ अगर सब माइनस का साइन होता तो भी हम यही वर्क करते। तो ये था अनसर्टेनिटी मेजरमेंट का पूरा टॉपिक। अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।